नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का ओनली आईएएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वेरियस स्पीशीज के बारे में। उसके अंदर में हमारी फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर में हम देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। ऐसे ही हम अलग अलग सेक्शन के अंदर इनको देखेंगे, ताकि आप इनको अच्छे से याद कर पाओ। अब इस सेक्शन के अंदर जो भी चीजें हम देखेंगे, उसमें हमारे पास में 99% वो सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगी। अगले सेक्शन में जब देखेंगे, उसमें 99% हमारी उसी पर्टिकुलर सेक्शन जैसे एंडेंजर्ड वल्नरेबल होंगी। तो उन चीजों को हम देखेंगे, इसमें जो होंगी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सारी। तो चलो इसको देखते हैं जल्दी से। अब इसके अंदर में फर्स्ट हम देखते हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड आते कहां से, फिर हम देखेंगे वेरियस ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो फर्स्ट यहां पे अगर बात करते हैं ये कहां से आते हैं, तो 1964 के अंदर में IUCN हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, जिसको बनाया गया था 1948 के अंदर में। तो 1948 में बनी, उसने प्रोटेक्शन का काम शुरू किया और इसने बोला कि हम क्वांटिफाई करेंगे वेरियस स्पीशीज को, उनकी कितनी संख्या बची हुई है, कितना उनको खतरा है। उसको खतरे को क्वांटिफाई करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस बनाया गया, उसको बोला जाता है IUCN रेड लिस्ट। उसमें बताया जाता है कौन सा ऑर्गेनिज्म कितनी संख्या के अंदर प्रेजेंट है और उसकी स्टेटस क्या है। तो अब ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म को वो देख सकते हैं, जो मेन ऑर्गेनिज्म है उनको देखने की कोशिश करेंगे वो, और जिनको उनको लगता है कि खतरा हो सकता है उनको देखा जाएगा इनके द्वारा, और उनको कैटेगराइज करेंगे कि घोड़े को किस कैटेगरी में डालेंगे, ऊंट हाथी उनको मतलब किस कैटेगरी में डालेंगे, ताकि उनको देख के गवर्नमेंट एक्शन ले सके कि किसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, किसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हमने कैटेगरी क्रिएट की, उन कैटेगरीज के अंदर में सबसे लोएस्ट लेवल की कैटेगरी कौन सी होगी, लीस्ट कंसर्न। तो जब ये क्वांटिफाई करना शुरू करेंगे तो ये वाली आएगी सबसे लोएस्ट, इसके अलावा नीचे भी आ जाएगी डाटा डेफिसिट। उसका मतलब है हमने उनके बारे में ज्यादा नहीं देखा, उनके बारे में ज्यादा डिटेल पता नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा उनकी केयर नहीं करते और इतना रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो वो आ जाएंगे डाटा डेफिसिट। लेकिन जब आप किसी स्पीशीज को क्वांटिफाई करोगे तो फर्स्ट कैटेगरी आएगी लीस्ट कंसर्न, इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन स्टेबल है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इनकी पॉपुलेशन स्टेबल है, तो उसको फर्स्ट कैटेगरी में डाला गया। फिर नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न के बाद आएगी नियर थ्रेटेंड, ये बोलेंगे कि मतलब जो नेक्स्ट कैटेगरी है थ्रेटेंड, उसके नजदीक आ चुकी है ये, मतलब अभी उन कैटेगरी में नहीं आई। ये स्पेसिफिक बताया गया इनके द्वारा कि क्या क्या कितने नंबर के होने चाहिए वो, लेकिन अभी उतनी नहीं आई, लेकिन फिर भी इसको खतरा है, तो उसको बोलेंगे एंटी, नियर थ्रेटेंड या लीस्ट कंसर्न, जो कि स्टेबल होंगी। एंटी स्टेबल नहीं है, वो डिक्रीज हो रही है, बट उतनी ज्यादा भी डिक्रीज नहीं हुई। उसके बाद जब आप थ्रेटेंड में डालोगे तो तीन सब कैटेगरी में वो आ जाएगा। पहली वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब स्पीशीज लास्ट 10 साल के अंदर में 30-50% कम हो चुकी है, तो उसको वल्नरेबल बोल देंगे। अगर उसको एंडेंजर्ड बोलना हो तो वो हमारे पास 50-70% लास्ट 10 सालों के अंदर में, 10 ईयर के अंदर में 50-70% डिक्रीज हुई। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलोगे तो वो हमारे पास में 80-90% डिक्रीज हो गई लास्ट के 10 सालों के अंदर में। तो ये रफ सा क्राइटेरिया है जिसके अंदर इनको बताया जाता है, इसके लिए आपको आगे नोट्स मिल जाएंगे। फिर आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर एक्सटिंक्ट के अंदर दो सब कैटेगरी आएंगी, इनके अंदर क्या बोला गया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसका मतलब ये हो रहा है कि वाइल्ड के अंदर में जंगलों के अंदर देखने को नहीं मिलेगा कोई भी, लेकिन उसको जू के अंदर जाओगे कैप्टिविटी के अंदर में हमने रखा हुआ है, तो वो कैटेगरी हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद एक्सटिंक्ट, इसका मतलब ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, इसका जो लास्ट सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म था वो मर चुका है, उसको एक्सटिंक्ट में डाल दिया जाएगा। तो हमें लीस्ट कंसर्न स्टेबल है, नियर थ्रेटेंड मतलब उनकी स्टेबल नहीं है वो, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन थ्रेटेंड में नहीं आया अभी। वल्नरेबल 30-35% डिक्रीज हो चुकी है 10 सालों के अंदर में। एंडेंजर्ड 50-70% डिक्रीज हो चुकी है 10 सालों में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड 80-90% डिक्रीज हो चुकी है 10 सालों के अंदर में। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने बोला, तो आप इनको देख सकते हो। अब आता है फर्स्ट हमारे पास में, फर्स्ट आएगा अफ्रीकन चीता री इंट्रोडक्शन। अब इसको मैं कैसे करवाऊंगा आपको, जो भी हमारी स्पीशीज होंगी उनके अंदर में एक तो आपको पता होना चाहिए कि उनका स्टेटस क्या है कंजर्वेशन का, दूसरा उनका हैबिटेट, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी चीज ना याद कर पाओ तो सिर्फ इतना याद कर लेना, स्पीशीज कंजर्वेशन स्टेटस और हैबिटेट। हैबिटेट का क्या मतलब, क्या वो सिर्फ इंडिया में मिलती हैं, क्या वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलेंगी, क्या वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी, क्या वो सिर्फ नॉर्थ में मिलेंगी, मतलब कौन से पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी, वो याद होना चाहिए। कंजर्वेशन स्टेटस आपको याद हो जाएगा बिकॉज सभी इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे। तो इसके अंदर में फर्स्ट हमारा आएगा अफ्रीकन चीता रीइंट्रोडक्शन। चीता की दो हमारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। पहली बात स्पीशीज समझ लो, इसका क्या मतलब आ रहा है, स्पीशीज का मतलब आ रहा है जैसे आपके पास में डॉग होगा, पड़ोसी के पास डॉग होगा, किसी और के पास डॉग होगा, क्या वो सेम देखने को मिलते हैं, मतलब क्या वो सेम होते हैं, ऑब्वियसली नॉट। कुछ हमारे अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, बुल डॉग हो सकता है, जर्मन शेफर्ड हो सकता है, रॉटवीलर हो सकता है, वो देखने में भी अलग होंगे, वो वैसे जीनस एक ही है उनका, है वो डॉग ही है, लेकिन उनकी अलग अलग स्पीशीज हैं
डॉग की, तो अलग अलग वेराइटीज है उनकी। वैसे ही शेर होगा, शेर भी अलग अलग वेरायटी के देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही हाथी होगा, हाथी अलग वेरायटी के देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही चीता भी अलग अलग वेरायटी का हो सकता है। ह्यूमन को छोड़ के वेराइटी देखने को मिलेंगी। ह्यूमन में हमें एक ही स्पीशीज देखने को मिलती है, वो सेम है। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता अफ्रीकन ह्यूमन अलग है, इंडियन ह्यूमन अलग है। उसमें फीचर, जो फिजिकल फीचर है उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो उसमें जेनेटिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हम एक ही स्पीशीज हैं, होमो सेपियन सेपियन, होमोजीनस सेपियन स्पीशीज, और सब स्पीशीज के अंदर में सेपियन, तो होमो सेपियन सेपियन। लेकिन इनके अलग अलग हो सकते हैं, थोड़े बहुत इनमें चेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज हो सकती हैं इनके अंदर में। तो इनके दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक एशिया के अंदर जो देखने को मिलेगा और एक हमारा अफ्रीका के अंदर जो देखने को मिलेगा। तो एशियन जो चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसको इंक्लूड इसीलिए किया गया क्योंकि हमारे कंटेक्स्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लेकिन अफ्रीकन जो चीता है वो वल्नरेबल है, तो जो भी हमारे अपने कंटेक्स्ट से देखेंगे इंडिया में क्या स्टेटस है उसका, उसके अनुसार मैं इनको इंक्लूड करूंगा। इंडिया के अंदर में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब इंडिया से गायब हो चुके हैं, लेकिन एशिया वाले जो हैं ये मिलते हैं कहां पे मिलते हैं, ईरान के अंदर। अफ्रीका वाले तो अफ्रीका में काफी मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए वल्नरेबल हैं ये, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो न्यूज के अंदर क्यों था, न्यूज के अंदर इसीलिए था बिकॉज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर में इसको रीइंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो बेसिकली 1952 के अंदर में चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, चीता इंडिया से चला जाएगा। तो उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करने की पहले चलेंगी, और हम 30-40 सालों से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन सी साइट के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो अब हमने एक साइट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जिसका नाम है कूनो पालपुर सेंचुरी, ये हमें देखने को मिलेगी एमपी के अंदर में। तो हम करेंगे क्या, इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक हम एक बैच आएगा हमारे पास चीता का अफ्रीका से, 10 होंगे उसके अंदर में, उसके बाद में 30 और आएंगे, मतलब 40 के करीब हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको रखेंगे कूनो पालपुर सेंचुरी, यहाँ पे रखा जाएगा फर्स्ट टाइम, और फिर देखेंगे क्या बातें चल रही हैं। अगर यहाँ पे उतना सुटेबल नहीं हुआ तो और साइट कौन कौन सी है बैकअप में, नौरादेही सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क, सभी मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे, और इसमें कूनो पालपुर, नौरादेही, गांधी सागर सेंचुरी, ये बॉर्डर पे देखने को मिलेंगी, एमपी राजस्थान गुजरात इस एरिया में देखने को मिलेंगी। और कूनो पालपुर यहाँ पे मतलब ये फॉरेस्ट यहाँ पे थोड़े कम होंगे, थोड़ा सा ग्रासलैंड टाइप का एरिया देखने को मिलेगा। चीता के बारे में अगर आपको बताए, फास्टेस्ट एनिमल है ये, सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है ये पूरे एनिमल किंगडम के अंदर में, और ह्यूमन से तो काफी तेज दौड़ता है, तो इसको दौड़ने की जरूरत पड़ती है, और दौड़ने की जरूरत पड़ती है तो मतलब ज्यादा फॉरेस्टेड लैंड में नहीं होता ये। तो अगर आपको बोला गया इसकी हैबिटेट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ड्राई वाले एरिया के अंदर देखने को मिलता है, तो ये मिलेगा ड्राई फॉरेस्ट सवाना के अंदर में। आपको बोला गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, तो वहां नहीं मिलता, वहां पे पेड़ ज्यादा होते हैं और इसको दौड़ना होता है, तो पेड़ों के अंदर में कैसे दौड़ेगा, इसके लिए ओपन टाइप का ग्रासलैंड होना चाहिए जहां पे दौड़ेगी। तो हमारे पास होते थे लेकिन हमने उनको मार मार के 1952 में खत्म कर दिया, हंटिंग महाराजा राजा महाराजा हंटिंग किया करते थे उनकी। तो एक तो कहां मिलता है वो देखना पड़ेगा, एशिया अफ्रीका, और हैबिटेट होगी ड्राई फॉरेस्ट के अंदर में। पहले हमने एशिया वाला जो था उसको बुलाने की कोशिश की, ईरान को बोला, ईरान ने बोला हमारे पास पहले ही कम है, हम नहीं भेजने वाले आपको। फिर हमने अफ्रीका में बोला कि हमें प्लीज दे दो, उसके बाद में कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, और अब फाइनली इसको 2021 के लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ पे, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये जो है दो प्रकार का, एशिया का ईरान के अंदर मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अफ्रीका वाला वल्नरेबल है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम। इसके अंदर में क्या होता है, फीमेल मेनली हंट करती है, मेल सीडेंट्री होता है, वो आराम से पड़ा रहता है, मतलब वो हाउस हस्बैंड होता है, और फीमेल हंट करती है। ये डायरल होता है, मतलब दिन में शिकार करता है, रात को सोता है। गेस्टेशन पीरियड, जैसा हमारे ह्यूमन के अंदर 9 मंथ लगते हैं बेबी के लिए, इनके अंदर में 3 मंथ होते हैं, और ये थ्रू आउट ईयर ब्रीड कर सकते हैं। कुछ एनिमल होते हैं उनका सीजन होता है कि मतलब गर्मियों में ब्रीड करेंगे, लेकिन ये थ्रू आउट ईयर ब्रीड कर सकते हैं। और ये सोशल ग्रुपिंग में रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए फीचर इसके ज्यादा देख रहे हैं हम। सोशल ग्रुपिंग मतलब इकट्ठे रहते हैं, तो 3 प्रकार की ग्रुपिंग हो सकती है इनके अंदर में। एक प्रकार की ग्रुपिंग के अंदर में फीमेल जो होंगी और उसके बच्चे वो साथ में होंगे, वो एक प्रकार का ग्रुप हो सकता है, मतलब आपको अलग अलग प्रकार के ग्रुप मिल सकते हैं इनके। दूसरे में मेल इकट्ठे होंगे, काफी सारे मेल इकट्ठे होंगे, और थर्ड वाला हो सकता है जिसमें अकेले अकेले मेल हो। तो 3 प्रकार से ये ग्रुपिंग के अंदर हो सकता है, एक के अंदर में तो अकेला होगा, दूसरा मेल की ग्रुपिंग होगी, तीसरा फीमेल और उसके बच्चे। और फास्टेस्ट है, ये तो हमने देख लिया। अब ये तो बेसिक फीचर है चीता के। थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में अगर थोड़ा सा हम बाहर आएंगे तो हमें कुछ फीचर और पता होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए बिग कैट के बारे में। तो मतलब बड़ी बड़ी बिल्लियां, मतलब शेरों के लिए यूज किया जाता है इसका। तो शेर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम तो शेर बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मल के अंदर में काफी सारे प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। तो हमें इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी जो कैट्स होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका जो खोपड़ी का साइज होता है उसके अनुसार इनको कैटेगराइज किया जाता है।
जनरली अलग अलग डेफिनेशन में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन में कई बार बोलते हैं सिर्फ 5 बिग कैट होती हैं, दूसरी डेफिनेशन में बोलते हैं 7 होती हैं, और कुछ डेफिनेशन में इंक्रीज भी कर देते हैं, लेकिन हमें एमसीक्यू करने के लिए 7 होते हैं इसके अंदर में। ये जो होते हैं हमारे, ये एक ग्रुपिंग है 5 का, और ये एक ग्रुपिंग है, ये एक सेम जीनस से आते हैं, ये डिफरेंट जीनस से आते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, बिग कैट कौन कौन सी हो सकती है? टाइगर हो सकता है, इंडिया में कौन सा मिलता है? बंगाल टाइगर। लायन इंडिया में कौन सा मिलता है? एशियाटिक लायन। जगुआर, जगुआर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं ये, ठीक है। इनको कई बार पैंथर भी बोल देते हैं, पैंथर वैसे कॉमन सा नाम है, इसको अलग जो लियोपार्ड होते हैं उनको भी पैंथर बोल देते हैं कई बार। तो जो ब्लैक पैंथर, वो भी आप लियोपार्ड या जगुआर इनमें से किसी को बोल सकते हो, लेकिन ये पेड़ों वगैरह के ऊपर चढ़ जाते हैं। लियोपार्ड आगे, फिर आगे स्नो लियोपार्ड, ये स्नो वाले एरिया के अंदर मिलते हैं। और चीता जिसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो भी बिग कैट के अंदर आता है। और प्यूमा, तो ये भी आ गया, प्यूमा को पैंथर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहली बात तो 7 बिग कैट्स आ रही हैं, 7 में से 5 इंडिया के अंदर मिलती हैं, चीता और प्यूमा अभी तक इंडिया में नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये देख हमने ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, जो रोर करने की कैपेबिलिटी होती है, दहाड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो चीता नहीं दहाड़ सकता, प्यूमा नहीं दहाड़ सकता, प्यूमा इंडिया में नहीं मिलता, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में मिलता है। और स्नो लियोपार्ड, ये भी दहाड़ने की काबिलियत नहीं रखता। बाकी जो 3 है, 4 है, ये दहाड़ सकते हैं, रोर कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा कि ये बोलेंगे सभी जितने भी बिग कैट्स हैं वो सारे दहाड़ सकते हैं, रोर कर सकते हैं, या बोलेंगे सभी बिग कैट इंडिया के अंदर मिलते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। इंडिया में 5 मिलते हैं, बाकी 6 हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्यूमा वाला तो हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया। और दहाड़ने की भी काबिलियत देखनी है आपने, तो 4 के अंदर है, स्नो लियोपार्ड, चीता और प्यूमा। तो कैसे याद करना है, 2 तो हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब वो तो ऐसे ही है, वो दहाड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं चिल्ला नहीं सकते, ये चिल्ला सकते हैं, आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन दहाड़ना उसका अलग ही कैपेबिलिटी होती है, आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं उनकी अलग ही स्ट्रक्चर इसमें क्रिएट होता है। तो स्नो लियोपार्ड भी ऐसा नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसी के अंदर में चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे प्रारंभ इनिशिएटिव की। हमारे प्रारंभ इनिशिएटिव के अंदर में आपको 3 हेडिंग्स के अंदर में, 3 कंपोनेंट्स के अंदर में कंप्लीट तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी प्लस मटेरियल देखने को मिलेगा। फर्स्ट, इसके अंदर में हमारी एनसीईआरटीज कवर होंगी। एनसीईआरटी के कंपोनेंट के अंदर में वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसके साथ में आपको टेस्ट दिए जाएंगे, प्लस उसमें बेसिक आंसर राइटिंग की क्लासेस ली जाएंगी। सेकंड कंपोनेंट आता है कोर कंपोनेंट, जिसके अंदर में 500 प्लस आवर की वीडियोस, प्लस हमारा मटेरियल आपको मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म के अंदर में, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, और उसके लिए जो हमारे स्मॉल नंबर के टॉपिक होते हैं, जिन छोटे छोटे मार्क्स होते हैं प्रीलिम में, उनके लिए सेपरेट वीडियोस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट जो एडवांस लेवल के ऊपर होता है, जो कि हमारे मेन से रिलेट करेगा, वहां पे 300 प्लस आवर की वीडियोस मिलेंगी, आंसर राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, एसेज आपको देखने को मिलेगा, और इन सब के साथ में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसके अंदर में इंक्लूडेड मिलेगी। और इसके ऊपर भी आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हेल्प की जाएगी। इंटरव्यू जब आप मेंस क्लियर करोगे, उसके बाद DAF फॉर्म भरने के लिए मदद की जाएगी। प्लस सबसे अच्छी बात, ये वाला कोर्स हमारा हिंदी मीडियम के अंदर में भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में जो लिंक दिए गए हैं उनके थ्रू जा सकते हो, या हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इसको परचेज कर सकते हो। जा रहा है। फिर आता है वल्चर एक्शन प्लान। अब वल्चर जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर में। वल्चर क्लीन करते हैं, सैनिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वल्चर। मतलब आपके एरिया के अंदर में जो भी आपके जीव जंतु होंगे जिनकी डेथ हो जाएगी, उनको खा के खत्म करेंगे, क्लीन करेंगे, जितना भी पैरासाइट हो सकता वहां से इन्फेक्शन हो सकता था, उस सबको रिमूव करने के लिए वल्चर काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और वल्चर नॉर्मल कंडीशन में ही काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये 1900 की अगर बात करते हैं, तो ये करोड़ों के अंदर इंडिया में प्रेजेंट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके 1960s, 70s, 90s के बाद में इनकी संख्या डिक्रीज होना शुरू हुई, और 90 to 90% अलग अलग स्पीशीज इनकी डिक्रीज हो गई। अब ये मतलब हजारों के अंदर आ गए, करोड़ों से हजारों के अंदर आ गए। अब सिचुएशन खराब हो गई इंडिया के अंदर में। आपको पता है कि हमारे एनिमल्स के अंदर में कौ को सेक्रेट माना जाता है, तो उसको काफी कम बार ऐसा होता है कि मतलब उसको काटने के लिए दिया जाता है। भैंस वगैरह के अंदर में बीफ उसका काफी ज्यादा बिकता है, लेकिन काऊ का जो बीफ होता है वो काफी कम मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। तो काऊ उसको क्या किया जाता है, या नॉर्मल उनको ऐसे फेंक दिया जाता है, या दबाया जाता है। तो उनको क्लीन करने का काम जो है वो हमारे वल्चर करते हैं, लेकिन वल्चर ना होने के कारण क्या होता है, जंगली जो कुत्ते होते हैं और जो कौवे होते हैं, क्रोस जो होते हैं, वो उसके ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और उनका वो उतने ज्यादा हाइजेनिक नहीं होते, मतलब वो फैलाते हैं फिर आसपास के एरिया में। जैसे जंगली कुत्ता आपके कुत्ते के साथ मिक्स होगा, या अदर जो हमारी स्पीशीज हैं घरेलू जानवर उनसे मिक्स होगा, उनको इन्फेक्शन करेगा, उनसे इन्फेक्शन हम लोगों को होगा। या अगर उसको क्लीन नहीं किया गया, जो भी आपके एनिमल्स हैं
उनका जो डेड मटेरियल है उसको क्लीन नहीं किया गया, तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो सकती है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सब चीजें मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वल्चर, बेसिक बात ये है। तो वल्चर के लिए मैंने आपको बताया पहले करोड़ों में हुआ करते थे, धीरे धीरे करके अब हजारों के अंदर में बैठ गए। वल्चर की स्पीशीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर वापस आते हैं। इंडिया में वल्चर की 9 स्पीशीज मिल सकती हैं, उनके आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटेंड है। क्या पता होना चाहिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन कौन है, तो चार उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। पहले मैंने बताया ये स्पीशीज करोड़ों के अंदर हुआ करती थी, अब हजारों के अंदर में आ चुकी हैं। तो इसके अंदर में चार स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। याद कैसे करोगे, याद करना है, देखो उनके नाम देख लो पहले, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, हिमालयन बियर्डेड एंड सिनोरस एंड यूरेशियन ग्रिफन। इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद करने हैं, तो देखो इनके अंदर में रेड, आपको कहीं रेड देखने को मिल रहा है नीचे, कोई भी रेड किसी के अंदर में भी रेड नहीं लिखा हुआ है। फिर बिल्ड, बिल्ड देखने को मिल रहा है क्या नीचे, कोई भी बिल्ड नहीं होगा, यहाँ पे भी बिल्ड है लेकिन नीचे कोई भी बिल्ड यूज नहीं किया गया। व्हाइट, क्या व्हाइट शब्द यूज किया गया है नीचे कहीं, नीचे व्हाइट शब्द कहीं भी यूज नहीं किया गया। तो रेड व्हाइट बिल्ड, बिल्ड का मतलब बीक, जो चोंच होती है पक्षियों की उसकी स्पेसिफिक बनावट को बिल्ड बोला जाता है, बिल बोला जाता है। तो यहां पे रेड व्हाइट बिल इतना याद रखना है बस, रेड व्हाइट बिल, जिनके नाम के अंदर रेड व्हाइट बिल आ जाएगा वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएंगे वल्चर। तो ये बात हमारी इंपॉर्टेंट है। अब वल्चर की बात करें, पहले करोड़ों में थे, डिक्रीज हो गए, तो जंगली कुत्ते क्रोज वो इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फेक्शन होना इंक्रीज हो जाएंगे। अब डिक्रीज ये क्यों शुरू हुए, क्यों डिक्रीज हुए, इसके लिए जिम्मेदार थी एक ड्रग जिसका नाम था डिक्लोफेनिक, डिक्लोफेनिक। अब ये ड्रग कौन सी है, डाइक्लोफेनिक जो ड्रग है इसको यूज किया जाता है एंटी इंफ्लेमेशन के लिए, दर्द को कम करने के लिए, और सूजन हो गई आपको उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन यूज करता है, वेटरनरी के अंदर में जो जानवर वगैरह होते हैं उनको बीमारी से ट्रीट करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, उनके बुखार को कम करने के लिए इस वाली ड्रग को यूज किया जाता था। लेकिन ह्यूमन बीइंग भी इसको यूज करते हैं, हम कहां पे यूज करते हैं, अगर आपने वॉलिनी यूज की है कभी भी उसके एक कंपोजिशन में देखना, उसके अंदर में डिक्लोफेनिक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये वाली ड्रग हम यूज करते थे वेटरनरी के ऊपर, अपनी काऊ के ऊपर इसको यूज करोगे, उस काऊ को जब उसकी डेथ होगी हमारे पास में वल्चर उसको खाने आएगा, वल्चर उसको खाएगा, उसकी किडनी फेलियर हो जाएगी और उसकी नेक टूट जाएगी, ऐसे लटक जाएगी नीचे, जिसको बोलेंगे नेक ब्रेकिंग, और वल्चर मर जाएगा। तो हमने इसको काफी ज्यादा स्केल के ऊपर यूज करना शुरू किया और वल्चर की संख्या एकदम क्रैश कर गई नीचे। हमें इसके बारे में पता चला, हमारा फर्स्ट जो वल्चर एक्शन प्लान था वो आया 2006 के अंदर में। हमने बोला डाइक्लोफेनिक जो है उसको खत्म किया जाएगा, हमने बोला डाइक्लोफेनिक सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगी एनिमल के लिए, खत्म 2006 में, ह्यूमन के लिए मिल सकती है। ह्यूमन जैसा मैंने बताया वॉलिनी आप आज भी देखोगे उसमें यूज होती है, और वॉलिनी तभी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसमें हाई डोज का डाइक्लोफेनिक यूज किया जाता है। डाइक्लोफेनिक बहुत ही पावरफुल होता है, आपकी बुखार को भी कम कर सकता है ये, और दर्द को तो कम करता ही है, इन्फ्लेमेशन को कम करता ही है। ओके, तो उसके लिए इसको यूज किया गया, लेकिन अब हमने बोला कि एनिमल के लिए यूज नहीं करोगे, ह्यूमन में यूज कर लोगे, तो ऑब्वियस ही बात है ब्लैक मार्केट में ये फिर भी बिकता रहा, तो मतलब उतना उस पर कंट्रोल नहीं हुआ और वल्चर की पॉपुलेशन भी स्टेबल नहीं हो पाई अभी तक, वो डिक्रीज ही हो रही है। तो उसको स्टेबल करने के लिए वल्चर एक्शन प्लान आया 2020 से 2025, 5 साल का प्लान आया। इन्होंने बोला पहले हम सीरियस नहीं थे, हमने बोला तो बैन के लिए लेकिन हम उसको कर नहीं पाए, और डाइक्लोफेनिक का रिप्लेसमेंट दिया गया मेलोक्सिकम, मेलोक्सिकम एक दवाई थी उसको रिप्लेसमेंट दिया गया, लेकिन वो उतनी पावरफुल नहीं थी, वो भी काम सेम करती थी उतनी पावरफुल नहीं थी, तो उसको ज्यादा यूज नहीं किया गया इनके द्वारा, मतलब थोड़ा बहुत यूज किया गया वो यूज नहीं किया गया। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि अब नया एक्शन प्लान लेके आए, अब हम बहुत ही जोश के साथ काम करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके अंदर डाटाबेस बनाएंगे, पहले कौन कौन से थ्रेट हैं हमारे वल्चर के लिए उसका डाटाबेस बनाएंगे, सबसे पहले कितने वल्चर प्रेजेंट हैं, कहां पे प्रेजेंट हैं, क्या क्या उनके खतरे हैं, उसका डाटाबेस बना दिया हमने। फिर बोला हमने 4 रेस्क्यू सेंटर बनाएंगे। रेस्क्यू सेंटर का मतलब आ रहा है कि वल्चर को कोई नुकसान हुआ, उसको बीमारी हुई, उसको ले आएंगे वहां पे और ट्रीट करेंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे, मतलब ऐसा समझ लो 4 प्लेसेस पे। कहां पे बनाएंगे याद करने की आवश्यकता नहीं है। और बोला गया इसके अंदर में ब्रीडिंग सेंटर उनके और ओपन करेंगे, ब्रीडिंग सेंटर जहां पे उनको कैप्टिविटी के अंदर रखेंगे, अंदर लेके आएंगे, उनको ब्रीड करवाएंगे आर्टिफिशियली, और उसके बाद फिर छोड़ेंगे उनको वाइल्ड के अंदर में, वो काम करेंगे। फिर बोला गया नेशन वाइड वल्चर का सेंसस करवाया जाएगा, हम देखेंगे कितने वल्चर हैं, 4 साल में, 4 साल के बाद में हम सेंसस करवाना शुरू करेंगे, मींस हम सीरियस हो गए, पहले हम सीरियस नहीं थे अब हम सीरियस हो गए, ऐसा बोला गवर्नमेंट ने। फिर उन्होंने बोला कि हमारे रेड हेडेड वल्चर और इजिप्टियन वल्चर उनकी कंजर्वेशन के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगे, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बाकी चीजें याद कर लो, 4 साल में सेंसस करवाया जाएगा।
फिर बोला गया रेगुलेट करेंगे सेल किस चीज की, वेटनरी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि डेथ कर सकती है वल्चर की। यहां पे क्या समझना है, दूसरी बात यहां पे क्या समझनी है, ऑटोमेटिक रिमूव कर देंगे ड्रग को जो नुकसान करती होगी वल्चर को। यहां पे क्या समझना है, मैंने आपको बताया कौन सी ड्रग, डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक हम यूज करते थे 2006 में, उसको बैन किया गया, उसकी रिप्लेसमेंट कौन आई, मेलेक्सिकम। लेकिन इन्होंने बोला है, पहली बात तो ये कि डाइक्लोफेनिक वो तो यूज से बाहर नहीं गई, उसको यूज किया जा रहा है, उसको ब्लैक मार्केट के अंदर में चल रहा है उसका यूज, आप बोल रहे हो उसको खत्म करेंगे। लेकिन बॉस बात ये भी है कि और भी काफी सारी दवाइयां हैं जो कि नुकसानदायक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, आपके पास अगर जो बुखार की अगर बीमारी दवाई होगी इस समय आपके पास में, तो पैरासीटामोल के अंदर में नाइमसुलाइड को मिक्स किया जाता है, वो आप देख सकते हो अभी आपके पास होगी, उसमें देख लेना, उसमें लिखा होगा पैरासीटामोल नाइमसुलाइड, ये भी हार्मफुल होती है वल्चर के लिए। अब आपने बोला डाइक्लोफेनिक को रिमूव कर दो, लेकिन बाकी भी तो हैं एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टीरॉयडल ड्रग जो मैंने एग्जांपल दिया नाइमसुलाइड, वैसी भी दवाइयां और काफी सारी दवाइयां, उनको भी तो रिमूव करो, एक दवाई को रिमूव करने से कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने बोला हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और भी दवाइयों को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। प्लस इन्होंने बोला इंटरनेशनल जर्नल के अंदर में अगर कोई भी स्टडी पब्लिश होती है, कोई प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल जर्नल में स्टडी पब्लिश होगी कि ये वाली दवाई हानिकारक है, उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि उसके लिए अप्रूवल लेना पड़े, उसको ऑटोमेटिकली रिमूव करेंगे उसको, मतलब वो दवाई खत्म करेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट सीरियस होने की कोशिश कर रही है, अगर वल्चर की डेथ होगी तो सैनिटरी कंडीशन के लिए कंट्री में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसके लिए वल्चर को प्रिवेंट करना जरूरी है। उसी में जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर हरियाणा के अंदर है, एशिया के अंदर में फर्स्ट ब्रीडिंग फैसिलिटी है, लेके आते हैं ये अपने पास में कैप्टिविटी के अंदर में, उनको ब्रीड करवाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं वाइल्ड में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा काम कर रहा है ये, तो मतलब इससे इंस्पिरेशन लेके और ज्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है अब इनके द्वारा। और ये होगा कहाँ पे, ये लोकेशन आप देख सकते हो हरियाणा के अंदर में, और बीर शिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे शिकारगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर में, वहां पे इसको सेटअप किया गया है हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और एक एनजीओ है जिसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये वाला एनजीओ इनके साथ में मिलकर इसको बनाया गया है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट आता है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन सेव इनिशिएटिव। अगर पूछा गया क्या ये इंटर गवर्नमेंटल है, नो, मतलब ये गवर्नमेंट जैसे इंडिया वगैरह, गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं बनाया, ये हमारे एशिया के अंदर में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 वो साथ में आई है, उन्होंने बोला हम कंजर्व करेंगे वल्चर को। नेक्स्ट आता है सेगा, ये क्या है, एक बकरी है, इसका मुंह आपको अजीब सा मुंह दिख रहा होगा, जैसे लॉर्ड ऑफ रिंग के अंदर होता है, वो उसका नाम भूल गया मैं, उसकी तरह इसका मुंह होगा, मतलब जॉम्बी टाइप आप समझ लो, इसका मुंह मतलब काफी ज्यादा खतरनाक है। स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडिया में मिलता है, नो, कहां पे मिलता है, कजाकिस्तान, मतलब सेंट्रल एशिया में मिलता है ये। तो पहले ये काफी ज्यादा हुआ करता था, 1990 के अंदर में सोवियत यूनियन टूटेगा और गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट काफी होगी और कजाकिस्तान में इसको मार मार के खाएंगे और उसके बाद इसकी हालत खराब हो जाएगी और ये हमारे पास में क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में आ जाएगा। अभी न्यूज में इसीलिए था क्योंकि ब्रीडिंग इसकी काफी अच्छी हुई, तो उसके लिए न्यूज में था। नेक्स्ट आया ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओमनिवोरस है, मतलब ये दोनों चीजें खा लेगा, हब भी खा लेगा, फ्रूट वगैरह भी खा लेगा ये, और ये छोटे छोटे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको खाएगा। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, काफी कम संख्या में है, और असम के अंदर में भी कुछ मंदिरों के अंदर में उन्होंने मंदिर के अंदर उसको बचाया हुआ है, जैसे यहाँ पे है हयग्रीवा माधव टेम्पल जो भगवान विष्णु का टेम्पल है, वहां पे पौंड के अंदर ये मिलता है, प्लस बांग्लादेश में। अगर बोला गया सिर्फ इंडिया में मिलता है, गलत, बांग्लादेश में भी मिलता है। और खासियत क्या है, पहली बात तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दूसरा इसका जो शेल है कोई हार्ड शेल नहीं है इसके अंदर में, तो मतलब ये जल्दी दौड़ सकता है, हार्ड शेल होता है तो उसमें थोड़ी आपको अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये दौड़ सकता है, फ्रेश वाटर में मिलता है और मंदिरों के टेंपल में मिलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है राइनो, राइनो वैसे मैं आपको अलग से भी करवाऊंगा, जिसके अंदर वन हॉर्न राइनो को करवाऊंगा। तो राइनो जो गेंडे होते हैं, गेंडों की 5 स्पीशीज होती है, 3 ये वाली जो 3 है ये एशिया में मिलती है, वन हॉर्न राइनो इंडिया में मिलता है, जावा ये जावा में मिलेगा, ये सुमात्रा में मिलेगा, इनके बारे में हम देखेंगे, बट वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में मिलता है उसके बारे में हम सेपरेट देखेंगे। न्यूज के अंदर में कौन सा है, न्यूज के अंदर ये ब्लैक और व्हाइट राइनो ये मिलते हैं अफ्रीका में, जो हमारा व्हाइट राइनो है इसके 2 पार्ट हैं, एक नदन व्हाइट राइनो, एक है सदन व्हाइट राइनो। न्यूज के अंदर आया है हमारे पास में नदन व्हाइट राइनो, इसकी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, सिर्फ 2 फीमेल्स बची हुई है वाइल्ड में, और वो भी कंसीव नहीं कर सकती, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते वो, ठीक है, तो 2 बची हुई है, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है और इसका सदर्न व्हाइट राइनो, जैसे यहां पे देख लो ये 3 मिलते हैं एशिया के अंदर में, ये मिलते हैं अफ्रीका के अंदर में, और इसके अंदर में 2 स्पीशीज हैं, एक है नदन, एक है सदन। तो न्यूज के अंदर में नदन है,
इसके दो ही बचे हुए हैं, ये तो काफी हमारे पास में 20-30 हजार है, मतलब इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सदर्न व्हाइट राइनो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नदन की प्रॉब्लम है, सिर्फ दो ही बचे हुए हैं। तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे होता है उस टाइप का बेबी इनके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है यहाँ पे। और इनका गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग के अंदर में 9 महीने लगेंगे और इनके अंदर में हमें 18 महीने देखने को लगेंगे। तो उसके लिए मतलब अभी टाइम लगेगा, लगभग 1.5 साल के अंदर में बच्चा पैदा होगा। तो उनको कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, उस लेन न्यूज में था ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो ध्यान में रखना है। फिर आता है चाइनीज पैडल फिश, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी 1996 से लेके आज तक, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये चाइना में मिलती थी और ये खत्म हो गई, ठीक है, चाइना में खत्म हो गई और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर यांगजी रिवर के अंदर देखने को मिलती थी। तो मतलब इसकी डेथ हो गई, तो थोड़ा मतलब इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्ट मतलब बड़ा सा बर्ड, तो उसको बोलेंगे बास्टर्ड, जो साइज के अंदर में ठीक खट्टा खट्टा होगा। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मतलब एक बर्ड की स्पीसीज है, बड़ा सा बर्ड होगा ये, मिलेगा कहाँ पे, डिजर्ट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, साथ में पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएगा ये। तो कहाँ मिलेगा ये, ये इंडिया के अंदर में, आपको वेस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया के अंदर में, थोड़ा साउथ के अंदर भी मिल जाएगा, पाकिस्तान में मिल जाएगा। तो अगर बोला गया ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत, किसी भी स्पीशीज के लिए देखना है कहाँ पे मिलती है, वो स्टेटस देखना है कहाँ पे मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये देखने को कहाँ मिलेगा, ग्रास, ग्रास में देखने को मिलता है ये, ग्रास इसकी फेवरेट है। न्यूज के अंदर इसीलिए आया क्योंकि जो डिजर्ट नेशनल पार्क है हमारे पास में, जहां पे मतलब ये मेनली देखने को मिलता है, वहां पे बोला जा रहा था जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन हमने बिछानी है, तो उसको बोला गया कि हवा में ना बिछा के जमीन के अंदर बिछाओ उनको, ताकि हवा के अंदर में कई बार ये उससे फंस जाते हैं, जो बस्टर्ड होते हैं उससे फंस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इन जो हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते ऐसा, हम तो भाई ऊपर ही बिछाएंगे। तो उसके लिए न्यूज में था ये। और इंडिया में कहां कहां पे मिलता है, डिजर्ट नेशनल पार्क में मेनली मिलता है, नलिया गुजरात के अंदर, वरोरा महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर में। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे मिलता है, थोड़ा पाकिस्तान में भी और इंडिया के अंदर पूरा। ओनली फॉन इन इंडिया गलत हो जाएगा, कहाँ मिलता है, एरिड काइंड के, थोड़े थोड़े मतलब एरिड सेमी एरिड एरिया के अंदर देखने को मिलता है ये, ओके। और एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वेरियस ऑर्गेनिज्म को इसमें इंक्लूड करते हैं और उनकी हैबिटेट को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इस प्रोग्राम के अंदर आता है। फिर आता है पोखरण फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, ये किस चीज के लिए, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ऊपर तारे लगा दे रहे हैं बिजली की। अब ये जो है बस्टर्ड रात के टाइम में उनसे लग जा रहा है, उसके लिए क्या किया गया, फायरफ्लाई जो जुगनू टाइप होते हैं जो चमकते हैं रात को, उस टाइप का सिस्टम ऊपर लगाया गया तारों के ऊपर, ताकि जैसा आपको यहाँ पे चमक दिख रही है, ताकि बर्ड को पता लग जाए कि यहाँ पे नहीं जाना है, तो वो अवॉइड करेगा उसको, ओके। तो ध्यान रखना है कि किस कंटेक्स्ट के अंदर है ये। फिर आया बंगाल फ्लोरिकन, तो ये भी क्या, ये भी बड़े वाला वर्ड है, तो इसको भी बस्टर्ड बोलेंगे, ये भी बड़े वाला वर्ड है और ये थोड़ा हमारा ईस्ट साइड के अंदर देखने को मिलेगा। बंगाल बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। और कुछ चीजों को जैसे बंगाल फ्लोरिकन, ये न्यूज के अंदर, ऐसा नहीं कि न्यूज के अंदर था, बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, मतलब ऑप्शन के अंदर देखने को था, तो मैंने वो इंक्लूड किए हैं जिनके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे लास्ट ईयर के, पास्ट ईयर के अंदर में, अभी न्यूज के अंदर में काफी ज्यादा थे, उन सबको इंक्लूड किया हुआ है। तो इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, करने को आप कितने भी कर सकते हो, इसके अंदर में लगभग 100 के करीब होंगे जितने भी वल्नरेबल और जो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उनको मैंने सेलेक्ट करके जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको सेलेक्ट किया हुआ है, उसके अनुसार किया हुआ। तो आपको उतने ही कवर करने हैं, जितना यहाँ पे कोर्स में कवर किया जा रहा है उतना ही कवर करो, इससे आपका 80-90% काम बन जाएगा, बाकी वाले के लिए आपको 400-500 स्पीशीज और पढ़नी पड़ेंगी। तो बंगाल फ्लोरिकन कहाँ पे मिलता है, उत्तर प्रदेश में, नेपाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये इंडिया आएगा तो इस एरिया के अंदर देखने को मिलेगा ये, प्लस साउथ एशिया के अंदर भी देखने को मिलेगा ये। तो ध्यान में रखना है ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बट नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट आता है साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस और इलोंगेटेड टॉर्टोइस, ये वाला जो टॉर्टोइस है ये कहाँ पे मिलता है, ये इंडिया नदन एरिया, और जैसा यहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन मिल रहा था, साउथ एशिया में भी मिलता है ये। बेसिकली इसकी संख्या डिक्रीज हो रही है, उसके कारण ये न्यूज के अंदर था, तो ध्यान रखना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। फिर अगर टॉर्टोइस और टर्टल में आपने डिफरेंस देखना हो, तो टॉर्टोइस जो होता है ये हमारा मेनली लैंड के ऊपर देखने को मिलेगा, टर्टल मेनली वाटर में देखने को मिलेगा, मतलब ये स्विच कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन मेनली जो ज्यादा समय जहां पे बिताएगा वो टॉर्टोइस जो होगा वो लैंड के ऊपर, टर्टल वाटर के ऊपर। इसकी जो बाहर का शेल है ये काफी ज्यादा मजबूत होता है, इसका थोड़ा सा मतलब कम मजबूत होगा और फ्लैट होगा, इसका डोम शेप होगा, क्योंकि इसको तो तैरना भी है ना, इतना बड़ा ढोल लेके कहाँ पे तैरेगा ये तो चल सकता है, जब ये जमीन पे चलेगा तो इसका शेल काफी सख्त होता है, क्योंकि ये बाकी वाले ऑर्गेनिज्म से बचाए रखेगा, अपनी मुंडी अंदर खींच लेगा ये और चुपचाप बैठे रहेगा, तो शेल काफी ज्यादा इसका मजबूत होता है, इसको तो पानी के अंदर में तैरना है, तो उसके लिए थोड़ा कम मजबूत होता है और फ्लैट होता है इसका,
ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है। और दोनों फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उनको भी खा लेते हैं ये, तो दोनों ये ओमनिवोरस हैं, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है पिंगाटा अंडमानेंसिस, तो ये वाली पाम ऑयल की स्पीसीज है अंडमानेंसिस, तो अंडमान के अंदर सिर्फ ये मिलती है, रेयर है और सिर्फ अंडमान में मिलती है। अंडमान में भी माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क सदर्न अंडमान के अंदर, वहां पे मिलती है सिर्फ ये। तो पाम ऑयल आपको पता ही होगा, जो पाम की स्पीसीज होती है उनसे ऑयल निकलता है जिसको कुकिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो ये वाली सिर्फ वहां पे मिलती है, नाम याद रखना है। इसको जो था ट्रांसपोर्ट करके एक और जगह पे लगाया गया, जो एक सेंटर है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम, वहां पे इसको लगाया गया, तो वहां पे ये सेकंड होम बना, इसलिए न्यूज के अंदर है। लेकिन ध्यान में रखना है कहां की बात की जा रही है, अगर बोला गया ये वाली स्पीसीज कहां पे मिलती है। और जो लास्ट है हमारे पास वो है ब्लू थ्रोटेड मैक्रॉ, तो एक तोता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड तोता है, और ध्यान में रखना है सिर्फ ये कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ साउथ अमेरिका के अंदर में मिलेगा ये, साउथ अमेरिका के अंदर बोलीविया में छोटी सी प्लेस है वहां पे मिलेगा, तो ओनली फाउंड इन इंडिया गलत हो जाएगा। ओके, तो तोता साउथ अमेरिका में मिलेगा सिर्फ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये हमारी कुछ स्पीशीज थी जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऐसे ही हम अलग अलग स्पीशीज देखेंगे, आपको याद करनी पड़ेगी, ये मैंने मिनिमम करने की कोशिश की है, वैसे तो 100 से ऊपर जा सकती है, आप तो कुछ भी डाल सकते हो इसमें, लेकिन प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड करते हुए, करंट में जो न्यूज के अंदर है उनको इंक्लूड करते हुए इनको प्रिपेयर किया गया है। तो इतना कर लोगे तो आपका 90% काम बन जाएगा, बाकी 10% के लिए आपको 100-200 और पढ़नी पड़ेंगी, तो वो फालतू में टाइम वेस्ट ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, धन्यवाद।